ये कहानी है समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के राजनीति के सुपरस्टार मुलायम सिंह यादव की। कहते हैं जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। ये यूं ही नहीं कहा जाता। मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया। 22 नवंबर 1947 को इटावा जिले के सैफई में जन्मे मुलायम सिंह की पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। मुलायम मैनपुरी के करहल के जैन इंटर कॉलेज में कुछ दिनों तक टीचर भी रहे। 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर मुलायम सिंह यादव थे। लेकिन हर किसी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है जो उसकी किस्मत बदल कर रख देता है। मुलायम की जिंदगी में भी एक टर्निंग पॉइंट आया जिसने मुलायम सिंह यादव के कद और रसूख को सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया। इतना ऊंचा कि उस कद को उत्तर प्रदेश में कोई छू भी नहीं सकता। साल था 1967। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर देश के सबसे युवा विधायक बने थे मुलायम सिंह यादव। मुलायम ने दिग्गज नेता को हराया था जिसने कांग्रेस सरीखे विरोधियों के बड़े बड़े नेताओं को हैरान कर दिया। लेकिन 1969 में फिर से जब चुनाव हुआ तो उसी जसवंत नगर सीट से मुलायम हार गए। उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा। लेकिन फिर आया साल 1973। शादी के 16 साल बाद मुलायम के घर में किलकारी गूंजी। 1 जुलाई 1973 को अखिलेश यादव का जन्म हुआ और मुलायम सिंह यादव से उनकी रूठी हुई किस्मत खुश हो गई। अखिलेश के जन्म के चंद महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। जसवंत नगर सीट से मुलायम सिंह यादव की जीत हो गई। इस बार तो उनके विरोधी विशंबर नाथ यादव को उनसे आधे वोट भी नहीं मिले। यानी अखिलेश मुलायम के लिए लकी साबित हुए। 1977 में मुलायम सिंह यादव को मंत्री की कुर्सी भी मिल गई। मंत्री बनने के बाद अब बारी थी मुख्यमंत्री बनने की। मुलायम सिंह यादव 1980 के आखिर में उत्तर प्रदेश में लोकदल के अध्यक्ष बनाए गए जो बाद में जनता दल का हिस्सा बन गया। मुलायम सिंह यादव ने 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल समाजवादी में शामिल हो गए। कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी पर बैठे। अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। मुलायम सिंह यादव ने इसका आरोप वीपी सिंह पर लगाया। इस देश के बड़े नेताओं का बड़े नेता भी है ही नहीं, लेकिन किसी तरह से बड़े नेता बन गए थे, जिसमें बीपी सिंह की अहम भूमिका रही है। और अडवाणी से और विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों से बीपी सिंह भी मिले हुए थे और बीपी सिंह ने भी इस सरकार को गिराने में पूरा षड्यंत्र रचा। और मुझे खुशी इस बात की है कि कांशीराम जी ने स्वीकार किया। कल टेलीग्राफ अखबार में उन्होंने इंटरव्यू में बता दिया है कि इस मुलायम सिंह की सरकार को गिराने के लिए कई बार बीपी सिंह ने हम पर दबाव डाला, मिले। इसके बाद सीपीआई की इंद्रजीत गुप्ता मिले। जनता दल में रामविलास पासवान को छोड़ करके सारे जनता दल की इस षड्यंत्र में शामिल थे। सीपीआई भी शामिल थी, जनता दल भी शामिल था और बीपी सिंह शामिल थे। हालांकि इसके बाद मुलायम सिंह यादव दो बार फिर उत्तर प्रदेश के सीएम बने और वो केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे। यानी अखिलेश के जन्म लेते ही मुलायम का कद बढ़ गया। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की नींव रखी। समाजवादी पार्टी की कहानी मुलायम के सियासी सफर के साथ साथ चलती रही। मुलायम सिंह यादव ने जब अपनी पार्टी खड़ी की तो उनके पास बड़ा जनाधार नहीं था, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने मेहनत के दम पर पूरे उत्तर प्रदेश में सालों तक पार्टी को नंबर 1 रखा।